सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब भर के ड्राइविंग लाइसेंस अब लाहौर से भी रिन्यू होंगे। शहरी आज से सीटीओ ऑफिस से अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करा सकते हैं। सीटीओ लाहौर। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 2 माह का बच्चा जाँ बहक। बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने से मौत वाकई हुई, वालिदैन का इल्ज़ाम। लवाहिकीन का एहतजाज, वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का नोटिस, तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। सब्जाजार में मोबाइल फोन सुनने का भयानक अंजाम। खावन ने मोबाइल सुनने पर मुबैना तौर पर बीवी को जहर का टीका लगा दिया। मोबाइल की वजह से मकतूला कश्यप का अपने शौहर अली से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने कश्यप के वालिद मुख्तार की मुदय्यत में 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शौहर समेत सुसर और देवर भी मफरूर, ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। 2 करोड़ रुपए तावान के ख्वाहिशमंद अगवाकारों से पुलिस का मुबैना मुकाबला। गुलशन रावी से अगवा होने वाला 11 साल अबू बकर बाजियाब। अगवाकार डाकिये के भेस में हाफिज शहजाद के घर आए। अबू बकर के बाहर आने पर उसे अगवा करके ले गए। पुलिस का मौकफ, अहले खाना ने तावान का मुतालबा तस्लीम करके मुलजमान को घर बुला लिया। रात 2 बजे अगवाकारों के आने पर पुलिस से आमना सामना हो गया। फायरिंग के तबादले में 1 अगवाकार हलाक, 2 फरार। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा पर तशद्दुद का मामला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तनाज़े में मुलव्वस 1 तालिब इल्म और गार्ड को मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड की 5 दिन की तनख्वाह भी काट ली गई। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वाकये का नोटिस लिया था। वासा अहलकार बनकर लोगों से पानी के बिल वसूल करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान गुलबर्ग, गार्डन टाउन और जहूर इलाही रोड पर कार्रवाइयां करते थे। गिरोह ने MNAs और MPAs को भी लूटा, मुकदमा दर्ज। डायरेक्टर एडमिन वासा मुश्ताक अहमद टिवाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रक ड्राइवरों के नाजायज चालान, टॉल टैक्स में इजाफा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 1 नवंबर से एहतजाज का ऐलान। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने की धमकी। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो मुकम्मल हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वाले बाज ना आए। आवाम को जहर बेचने वालों को पंजाब फूड अथॉरिटी ने निकेल डाल दी। मुर्गी की बाकियात से तेल बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। आंतों और दीगर आलाइशों को उबालते हुए भट्टियां उजाड़ दी गईं। FIA का सब्जाजार में 2 फूड फैक्ट्रियों पर छापा, गैस चोरी पकड़ ली गई। फूड फैक्ट्रियों में बेकरी मसनूआत और मिठाई तैयार की जाती थी। महाना 10 से 15 लाख रुपए की गैस चोरी की जा रही थी। सर्दी से पहले ही गैस छुट्टी पर चली गई। ग्रीन टाउन मियां चौक के इलाके में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। घरों के चूल्हे ठंडे होने पर मकीन सड़कों पर निकल आए। सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा, गैस दो के नारे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की याद में भत्ता वसूली के खिलाफ ताजर सड़कों पर आ गए। इंटरनेशनल मार्केट मॉडल टाउन एक्सटेंशन के कारोबारी अफराद सरापा एहतजाज। LDA हुकाम क्लीन एंड ग्रीन के नाम पर ब्लैकमेल करके पैसे बटोर रहे हैं। वजीर आला नोटिस लें, मुजाहिरीन का मुतालबा। अवाम के लिए खुली कचहरी का अहतमाम, शिकायत सुनने आए ना हुकाम। मांगा बाईपास पर SP सदर की खुली कचहरी, सायरीन राह तकते रह गए मगर SP सदर मुआद जफर ना आए। शहरी मायूस, घरों को लौट गए। खेलों के मैदान आबाद करने के लिए हुकूमत को तवज्जो देना होगी। खेलों को सेहत के बराबर अहमियत दी जाए। कौम की बेटियां किसी से कम नहीं, खवातीन के लिए खेलों के कैंपस होना चाहिए। हमें कौम की तरजीहात के लिए जिदोजहद करना होगी, चीफ जस्टिस का पंजाब स्टेडियम में तकरीब से खिताब। अपोजिशन की अदम मौजूदगी में पंजाब असेंबली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन के बायकॉट के बायस कटौती की कोई तहरीक पेश ना हुई। अल्फाज की जादूगरी नहीं, हकीकत पसंदाना बजट पेश किया।
हम किसी का नाजायज काम नहीं करेंगे और जायज काम रुकने नहीं देंगे। वज़ीरे आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐवान में खिताब। असेंबली स्टाफ को 2 माह की तनख्वाह बतौर बोनस देने का भी ऐलान। बजट मंजूरी और इजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन भी नमोदार। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, स्पीकर के खिलाफ असेंबली से बाहर गुफ्तगु। स्पीकर का फर्ज है फरीकैन को सुनकर फैसला करे, राना मोहम्मद इकबाल। स्पीकर ने सारे केस में जानबदारी का मुजाहरा किया, मलिक अहमद खान। स्पीकर पंजाब असेंबली ने नून लीग के मुअत्तल 6 अरकान को बहाल कर दिया। नून लीग का पंजाब असेंबली में हंगामा आरई के लिए कायम कमेटी की असर नौ तश्कील का मुतालबा। नून लीगी अराकान का स्पीकर पंजाब असेंबली को खत, अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया, पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी नहीं, खत का मतन। और परवेज इलाही शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का स्पीकर की जानबदारी कौम के सामने लाने का ऐलान। बोले, हमें हुकूमत गिराने की कोई जल्दी नहीं, ये अपने वजन से खुद ही गिर जाएंगे। इमरान खान जाली वजीर आजम, धांधली की पैदावार हैं, बताएं एनआरओ कौन मांग रहा है। एहतसाब तो वो करता है जिसका दामन साफ हो, हमें गिरफ्तारियों से ना डराएं।